हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ कार्य। आज का हमारा टॉपिक है बिटर गुड, यानी करेला डायबिटीज में हार्मफुल है या फायदेमंद है। क्या करेले का सेवन करने से आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज कम होता है या बढ़ता है, तो ये सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि मॉर्निंग वॉक की क्या इम्पोर्टेंस है जिसको डायबिटीज है उसके लिए, और कैसे हम लोग भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और बाहर का माहौल देखकर कितना अच्छा लगता है। तो आप सब भी क्या कहते हैं, सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पे जाइए, और उसके बाद जैसे ही आप मॉर्निंग वॉक का पोर्शन देखेंगे स्टार्टिंग में, फिर आगे हम देखेंगे कि बिटर गुड यानी करेला कैसे डायबिटीज के लिए फायदेमंद है या हार्मफुल है, डायबिटीज में नुकसानजनक है। अब देख सकते हैं सब बच्चे खेल रहे हैं सुबह सुबह। तो मॉर्निंग वॉक भी इसी बहाने हो गया है आज, क्योंकि डायबिटीज में सबसे पहले सुबह सुबह उठ के आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक करेंगे तो लाइफ आपकी बेटर रहेगी, तो इसीलिए आज मैं वॉक कर रहा हूँ। और डेली सुबह वॉक पे आता हूँ मैं भी, तो अगर आप भी वॉकिंग करते हैं बहुत अच्छा है, 1 घंटा सुबह वॉक करिए। तो लेट्स सी कितना हम वॉक करते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना स्वेट बाहर निकालते हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है और आपकी यूरिन से एक्सेस ग्लूकोज सिक्रीट होकर बाहर आता है। जब ये डिजीज आपको डेवलप होता है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल बहुत कम होता है, जिसके कारण आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट काउंट इररेगुलर हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट को भूख और प्यास अक्सर लगती है, और साथ ही साथ ये लोग आसानी से थक जाते हैं और मेंटली परेशान रहते हैं। इनको बॉडी में इचिंग, कॉन्स्टिपेशन या जनरल वीकनेस फील होती है, और साथ ही साथ अगर डायबिटीज है तो हार्ट, किडनी, आईज या नर्व्स की बीमारियां इनको होती है, जोड़ों का दर्द और अनेकों हेल्थ डिजीज इसमें दिखते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज जैसी बीमारी है जो आपकी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन है, तो इस बीमारी में क्या आप करेले का सेवन कर सकते हैं कि नहीं। बिटर मेलन यानी बिटर गोड ये ट्रॉपिकल एरियाज जैसे कि एशिया, अफ्रीका और करेबियन में पाया जाता है। इस वेजिटेबल में आयरन, कैरोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस से लेकर अनेकों डाइजेशन वाले फाइबर्स आपको मिलते हैं। इसको कई कंट्रियों में हर्बल मेडिसिन की तरह भी यूज किया जाता है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन हो और इंसुलिन को इम्प्रूव करा जा सके बॉडी में। क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडी से ये भी पता चला है कि जो करेला होता है उससे आपकी बॉडी में बीटा सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, और अगर बीटा सेल का प्रोडक्शन पैनक्रियाज में बढ़ेगा तो आपकी बॉडी का इंसुलिन इम्प्रूव होगा और आपकी बॉडी के शुगर से फाइट करेगा। साथ ही साथ करेले को आपके लिवर के लिए और आपकी बॉडी के लिए एंटी ट्यूमर एजेंट भी माना जाता है। जब आपको डायबिटीज है, माइल्ड डायबिटीज है, यानी आपकी बॉडी में पैनक्रियास इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन खाने के बाद आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज बढ़ जा रहा है, यानी 150 के ऊपर पहुंच रहा है और 180-200 तक रह रहा है, तो इस केस में यदि आप करेले का सेवन करते हैं हर दूसरे दिन, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करता है। करेले में चैरेंटीन, पॉलीपेप्टाइड पी, ओलियोनोलिक एसिड जैसे कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो डायबिटिक ट्रीटमेंट में आपको फायदेमंद करते हैं। करेला एक टाइप का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है,
मतलब ये आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लो करेगा। इसका जूस अगर आप प्रिस्क्राइब फॉर्म में पीते हैं तो आपकी बॉडी का डाइजेशन भी अच्छा होता है और इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी भी होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इसलिए अगर आप करेले का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल्ड रहता है और अगर आपकी बॉडी में ऐसे इम्प्रूवमेंट्स आएंगे तो करेले का सेवन करने से आपका इंसुलिन भी इम्प्रूव होगा। डायबिटीज एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसमें आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज जरूर करना पड़ेगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि करेले से यानी बिटर गोर्ड से आप अपनी डायबिटीज का लेवल कैसे कम कर सकते हैं और इस ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड से आपको कैसे फायदा मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।